नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। आज के इस खास कार्यक्रम वर्ल्ड इन एक्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, वैसे तो आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा कि हम किस मुद्दे की तरफ बात करने जा रहे हैं। वर्ल्ड इन एक्शन का ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये देश दुनिया में हो रही जो हलचलें हैं इसके बारे को लेकर ये प्रोग्राम हम करते हैं। पूरे विश्व में किस तरह के राजनीतिक हालात चल रहे हैं, किस तरह की घटनाएं चल रही हैं, किस तरह का जियोपॉलिटिकल माहौल बन रहा है, किस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक नई पॉलिसीज बन रही हैं, इसको लेकर हम आपको अवगत कराते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये कार्यक्रम डेडिकेटेड है पूरे वर्ल्ड में हो रही गतिविधियों को लेकर और भारत उनसे किस तरह से इफेक्टेड होगा, किस तरह से भारत प्रभावित होगा, इसको लेकर हमारा खास एम्फेसिस रहता है, खास फोकस रहता है। इसलिए वर्ल्ड इन एक्शन के इस कार्यक्रम में आज हमने जो चुना है वो है POJK का मामला, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का मामला। ये चूंकि पूरा रीजन जो था 1947 से पहले, ये कश्मीर अकेला नहीं कहा जाता था, जिसको कि वहां पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। अब वो आजाद कश्मीर वो इसलिए कहते हैं कि उसमें जम्मू का एरिया वो नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो पूरा का पूरा इलाका भारत के पास में है। तो ये जो डिवाइड उन्होंने किया है अपने ही मुताबिक, जबकि ये अविभाजित भारत में जम्मू एंड कश्मीर का ही रीजन कहा जाता था पूरा, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, भारत के अधीन जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, जो भारत का कश्मीर है, पूरा ही भारत का ही है। 1947 से पहले पूरा ये जो रीजन है ये भारत के ही उसमें था, और विभाजन के समय के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने चालबाजी करके और वहां कबायलियों को की मदद से भारत का वो हिस्सा हमसे ले लिया और भारत की वो डिप्लोमेटिक हार रही। तो ये आप देखिए नक्शे में, ये है POJK, ये जो ग्रीन एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, और इसके इधर चाइना लगा हुआ है। ये जो POJK है इससे एक तरफ अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और इधर भारत है, हमारा प्यारा भारत है। तो ये तो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। ये मैंने जो इस का टॉपिक का जो हेडलाइन दिया है, मत चूके भारत बलवान, और इसमें एक सबटाइटल भी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का ये शुरू से एक डेडिकेशन रहा है कि POJK जो है वो भारत में वापस लिया जाए और भारत को अखंड भारत के उस स्वरूप में वापस लाया जाए। ये मौजूदा सरकार के डिस्पेंशन का भी एक पुराना मामला रहा है। तो आज का हमने जो टाइटल लिया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की राह पर हैं? जी हां, इंदिरा गांधी की राह पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो विभाजन के समय में पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो रीजन बना था, वो रीजन भारत के लिए एक बहुत खतरनाक साबित हो रहा था, और इंदिरा गांधी ने उस पाकिस्तान की उस कुत्सित चाल को खत्म करते हुए, क्योंकि ये पाकिस्तान से उन दिनों सड़क मार्ग से ही लोग बांग्लादेश जाते थे, जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो ये जाते आते, और दूसरा वीजा नियमों में और आने जाने में जो परेशानी हो रही थी, कुछ लोग यहाँ आते थे यहीं रह जाते थे, जाते नहीं थे वापस, कुछ यहाँ गड़बड़ियाँ फैलाते थे और भारत को अस्थिर करने के प्रयासों को भी हवा मिलती थी। तो ये बात इंदिरा जी के टाइम में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में बहुत ज़्यादा तवज्जो चाह रही थी कि इसका कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाए कि किसी तरह से इसको जो अस्थिरता के जो प्रयास पाकिस्तान करता रहता है इसको दूर किया जाए, और वो मौका भारत के हाथ लगा। संयोग की बात है कि जो आज का बांग्लादेश है यानी पूर्वी पाकिस्तान है, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता हुई और वहां पर चुनाव हुए, मुजीबुर रहमान को बहुमत मिला, लेकिन पंजाब डोमिनेटेड जो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, उसने उस बात को मान्य करने से इनकार कर दिया और राजनीतिक अस्थिरता के हालात में पूर्वी पाकिस्तान फंस गया। इसका फायदा भारत को मिला, और भारत के पास जब शेख मुजीबुर रहमान ने सहायता की अपील की तो भारत ने पूरी दमदारी से उनका साथ दिया और पाकिस्तान के चंगुल से
पूर्वी पाकिस्तान को निकाल के एक अलग राष्ट्र बनाया जिसका नाम आजकल बांग्लादेश है। तो ये इंदिरा गांधी की ताकत थी। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक फैसला लिया, पूरे विश्व के सामने वो अड़ गई, जबकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन उन्होंने अमेरिका की भी परवाह नहीं की और अपने दम पर, अपने राजनीतिक कौशल से, अपने डिप्लोमेटिक कौशल से और अपनी विल पावर से बांग्लादेश का निर्माण किया। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का जो परिदृश्य है वो लगभग लगभग वैसा सा परिदृश्य जो है वो आज बना हुआ है। जैसे शेख मुजीबुर रहमान ने भारत की सहायता मांगी, आज अफगानिस्तान वैसे ही हालात में है। अफगानिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान हमसे ये मदद की गुहार कर रहा है, सहायता की गुहार कर रहा है। अब आपको मैं इस रेफरेंस के साथ लेके चलता हूं पीओजे के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर 25 जुलाई यानी इस रविवार को चुनाव होना है और इस चुनाव में वहां के राजनीतिक हालात किस तरह से चल रहे हैं तो वो हम चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में। ये देखिए आप, ये वहां पर चुनावी रैलियां चल रही हैं और सभी राजनीतिक दल जो पाकिस्तान के हैं उसमें पीपल्स पार्टी की ये मरियम नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से ये जो शेख रशीद जो हैं वहां के गृह मंत्री भी हैं इस वक्त, इमरान खान के बहुत ही नजदीकी समझे जाते हैं वो, और वहां पर ये तीन प्रमुख पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून पीएमएल जिसको पीएमएलएन कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ की पार्टी है जिसकी बेटी मरियम नवाज आपके सामने है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं वो जरदारी और भुट्टो वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है, प्लस ये इमरान खान की पार्टी है तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तीनों पार्टियां वहां मुकाबले में हैं। लेकिन अब वहां से जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार इस बार कोई वहां अच्छा माहौल नहीं है। वहां के लोग पाकिस्तान के जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको लेकर बहुत नाराज हैं और वो कोसते हैं उनको, इन तीनों ही पार्टियों को। अब ठीक है, चुनाव में किसी न किसी पार्टी का तो बहुमत आएगा, लेकिन इस बार के चुनाव में वहां लोकल मुद्दे नहीं है, वहां इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। और दूसरा इंटरेस्टिंग मामला यह है कि जब भी पीओजे के में चुनाव होता है या कोई राजनीतिक हलचल होती है तो भारत का जो कश्मीर है उसमें भी हलचल होती है, लेकिन इस बार पहली बार यह देखने में आ रहा है कि भारतीय कश्मीर में वहां के चुनाव को लेकर कोई किसी तरह की हलचल नहीं है, कोई माहौल नहीं है। और यह मान लिया गया है पाकिस्तान के कश्मीर में भी लगभग और भारतीय हिस्से में भी कि अब यह पीओजेके का इलाका, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका भारत के कंट्रोल में आने वाला है, इसलिए भी वहां पर राजनीतिक माहौल जो है वो एक अलग किस्म का दिखाई देता है, एक साइलेंस है वहां के लोगों में। वहां के लोग इस तरह से देख रहे हैं कि कब हमारा पाकिस्तान के इस जंजाल से मुक्ति मिलेगी, हमको पाकिस्तान के इस अव्यवस्था के जंजाल से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भारतीय कश्मीर को देखते हैं, भारतीय कश्मीर में जो विकास दिखता है, जिस तरह की डेमोक्रेसी दिखती है, जिस तरह से लोगों का पढ़ने लिखने का एक माहौल है, सरकारी नौकरियों में वहां के लोगों को तवज्जो है, और कश्मीर का हमारा जो भारत का हिस्सा है उसका दृश्य ही अलग है। वहां पर जो पीओजे के है उसमें पाकिस्तान के इन्हीं पंजाबी डोमिनेंट जो लोग हैं उन्होंने वहां हालात खराब कर रखे हैं, जो कश्मीर के मूल निवासी थे उनको वहां से भगा दिया है, वहां पूरा पंजाबियत का कल्चर ला दिया है, उर्दू नाफिज कर दी है, वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको खत्म कर दिया गया है और आज नाम का वहां कश्मीर है, बाकी कुछ भी कश्मीरी नहीं है। और वहां का असल मसला तो यह भी है कि वहां की सरकार, चाहे वो प्रादेशिक सरकार चाहे चुनी जाए, लेकिन उसका कंट्रोल इस्लामाबाद के एक डेप्यूटी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के पास होता है। वहां कहने को वो आजाद कश्मीर कहते हैं उसको, और वहां के जो निर्वाचन में जो चुन के आता है उसको प्रधानमंत्री का भी दर्जा देते हैं, लेकिन वो सारा विश्व को गुमराह करने के लिए है, यूएन को गुमराह करने के लिए है कि हम तो देखिए, हमने तो जम्मू कश्मीर का जो हमारा हिस्सा है उसमें अलग ही एक रियासत बना रखी है, वहां हम वहां का जो सदर होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, इसलिए भारत का जो कश्मीर है उसको भी इससे मिलाया जाए और एक अलग रियासत बना दी जाए। अब ये बात अलग है कि आपको पता है कि वो इस्लामिक रियासत की बात है, ये सब कैमोफ्लॉज है, एक फसाड है, और ये फसाड क्रिएट करके वो एक
अलग तरह की राजनीति पाकिस्तान खेलने की शुरू से ही कवायद करता है। तो अब जो चुनाव होने हैं और उसमें जो हेड चुना जाएगा वहां के पीओजेके का, वो चाहे कहने को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहें, वो सदर कहते हैं, तो सदर का कंट्रोल जो है वो एक डेप्यूटी सेक्रेटरी सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट के हाथ में, इतनी सी औकात है उसकी। और वो कश्मीर का एक स्पेशल उन्होंने वो टेबल बना डेस्क बना रखी है इस्लामाबाद में, वो उनको कंट्रोल करता है, उनकी कोई चलने वलने दी जाती नहीं है, कोई डेवलपमेंट के काम वहाँ है नहीं, एकदम बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, पानी पीने को नहीं है, एक तरह की एग्जाइल में वहाँ लोग जो कश्मीरी जो मूल कश्मीरी हैं वो रहते हैं। अब वो बेचारे वहाँ से छोड़ छोड़ के रावलपिंडी लाहौर इस्लामाबाद की तरफ आ गए हैं और वहाँ इन पंजाबी लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये तो वहाँ के राजनीतिक हालात है। अब रविवार को जो चुनाव होगा वो देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी आती है वहाँ। अभी पीएमएल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ सदारत करती है, लेकिन अब लग रहा ऐसा है कि इमरान खान ने सभी पार्टियों के जो इलेक्टेबल्स हैं एक तरह से, जो जिनको चुना जा सकता है एक तरह से, उन लोगों को अपनी पार्टी में किसी तरह से यनकेन प्रकार ने मिलाया है और वहाँ वो अपना प्रचार इस तरह से कर रहे हैं कि जो मरकज में सरकार है यानी सेंटर में जो सरकार है वो यदि प्रदेश प्रदेश में आती है तो डेवलपमेंट तेजी से होता है, उनका एक मानना है। तो ये वहाँ के हालात मैंने आपको राजनीतिक बताए। अब ये राजनीतिक हालात हमारे लिए किस तरह से आगे चलेंगे ये मैं आपको अब इस प्रोग्राम में बताता चलूंगा। भारत और पीओजेके का जो मसला है ये पिछले 70 साल से हमारे लिए एक नासूर बना हुआ है। आप सबको पता है कि भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं वो पीओजेके की धरती पे ही पनपती हैं, वहीं फूलती हैं, वहीं फलती हैं, वहीं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं इन सारे आतंकवादी समूहों का ट्रेनिंग सेंटर जो जिसको कहते हैं वो वहां चलते हैं और उससे लगा हुआ अफगानिस्तान का पार्ट है। अब अफगानिस्तान यहां पर रेलेवेंस में क्यों आता है उसका कारण बहुत गहरा है। पीओजेके और अफगानिस्तान का ये जो मिला जुला एरिया है यहां आतंकवादी प्रशिक्षण का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की ISI पाकिस्तान की सरकार चलाती है। अब यदि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आता है तो यही आतंकवादी समूह जो अलग अलग नामों से अपना वो करते हैं पेशकश करते हैं लेकिन वो है एक ही और वो पूरा का पूरा एक जिहाद का एक मसला है और ये जिहाद का पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस्लामी रवायात से आता है और ये उसी इस्लामिक नाम पर उसी कुरान शरीफ कुरान के नाम पर प्रोफेट के नाम पर अल्लाह के नाम पर एक जिहाद की राह चुनते हैं और इनका आज भी जो तालिबानियों को सपोर्ट है वो अल्लाह की राह में जिहाद करने के नाम पर ही है और कोई मसला उनका वहां नहीं है। और इस नारे को जो परवान चढ़ाया जाता है वो पाकिस्तान की तरफ से चढ़ाया जाता है। अब आपको मैं बताता चलूं कि जो हमारे यहां पर जो राजदूत हैं अफगानिस्तान के वो अभी इस चर्चा को और थोड़ा सा आप गहराई से देखिएगा कि फरीद मामंदजई जो हैं वहां के राजदूत हैं हमारे यहाँ, उन्होंने ये देखिए आप ये फरीद मामंदजई अफगानिस्तान के राजदूत हैं भारत में, इन्होंने अभी हाल ही में ये कहा कि हमारी जो पीस टॉक चल रही है तालिबान के साथ दोहा में यदि वो सफल नहीं हो पाती है तो भारत को तत्काल प्रभाव से हमारे को सैन्य सहायता देकर हमारी सरकार को स्टेबल करना होगा और हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि वो भारत सरकार वहां अपनी सेना को भेजे। अब ये बहुत बड़ा मसला होने वाला है, ये पूरा का पूरा गेम चेंजर साबित होगा। जिस बात का इंतजार हमें 70 साल से था वो मौका अब हमें मिलने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि मत चूके भारत बलवान। अब इसके पीछे का मैं जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशंस हैं वो आपको बताता चलता हूं कि क्या हो रहा है। देखिए अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेस की रवानगी हो चुकी है, अमेरिका वहां से निकल चुका है क्योंकि अमेरिका का यह कहना है कि अब वो वहां पर कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वहां का जो जियोग्राफिकल जो डिफिकल्टीज हैं अमेरिकन लोगों को वो बहुत ज्यादा पेश आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने भारत से ये कहा है अमेरिका ने कि आप अफगानिस्तान में डायरेक्ट दखलंदाजी करके और वहां की सरकार को स्टेबल करें और वहां डेमोक्रेसी का राज लाएं। अब भारत ने अपनी भी शर्तें रखी अमेरिका के सामने कि भाई हम तो पहले से ही जिहाद का शिकार हैं, हम तो पहले ही इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हैं, आतंकवाद हमारे यहाँ अंदरूनी खाते में भी है और बाहर से भी ये लोग आते रहते हैं जम्मू कश्मीर के एरिया में, तो हम इनसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए तो हमारे पास इतने संसाधन प्लस
हमारी एंट्री कैसे होगी वहां अफगानिस्तान में, वो एंट्री का तो कोई रास्ता हो। तो इस बारे में पीछे दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि पाकिस्तान भारत को रास्ता दे जिससे कि वो अफगानिस्तान में डायरेक्ट तखलंदाजी करके पीस कीपिंग का काम कर सके। आपको पता है कि भारत पीस कीपिंग का यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी बहुत बड़ी भूमिका में रहता है, और जहां पर भी ऐसी अनस्टेबिलिटीज आती हैं, अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आती है, वहां भारत अपना सैन्य बल भी भेजता है, डेवलपमेंट के काम भी करता है। तो भारत का ये यूएन के प्रति एक डेडिकेशन भी है, और यूएन का जो हम जिस तरह का हमने वो रखा है एक डेमोक्रेटिक माहौल, उसमें भारत को लेकर पूरे विश्व में एक बड़ी उम्मीद के तौर पे भारत को देखा जाता है। तो अमेरिका ने जब भारत से ये कहा कि आप वहां सीधे दखलंदाजी करें, उस विषय पर भारत ने अपनी शर्तें रखी, और भारत ने कहा कि हमारे पास में सीधा रास्ता वहां दखलंदाजी करने का नहीं है, वहां हमारी सेना भेजने का हमको रास्ता नहीं है, इसलिए हमें पाकिस्तान के रास्ते रास्ता आप कह रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के रास्ते नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया, अव्वल तो मैं आपको पहले यह क्लियर कर दूं कि अमेरिका ने जैसे ही ये पेशकश की पाकिस्तान से, पाकिस्तान एकदम से बौखला गया और पाकिस्तान ने इमीडिएटली अपना रुख चेंज किया, और इमरान खान का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा, नॉट एट ऑल, उसमें उन्होंने इशारा जो किया वो ये कहते हुए किया कि पाकिस्तान में अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वो हम नहीं देंगे। लेकिन बात असल में वो नहीं है, बात असल में ये है कि भारतीय फौजों को अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पाकिस्तान के होते हुए जो अपील अमेरिका ने की थी कि रीजन के स्टेबिलिटी के लिए, रीजन की पीस के लिए पाकिस्तान ऐसा करे, लेकिन भारत ने उसमें अपनी शर्त लगाई, और भारत ने कहा कि यदि हमने उनका एक अस्थायी रास्ता चुना तो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके पर यह मान लिया जाएगा कि भारत अपना हक छोड़ रहा है। भारत ऐसा क्यों करे, भारत पाकिस्तान के रास्ते क्यों जाए, भारत की जब सीमा खुद की मिली हुई है। अब यह बात अलग है कि हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि ये जो रास्ता है नॉर्थ वेस्ट वाला, ये रास्ता बहुत ज्यादा कठिन है अफगानिस्तान तक पहुंचने का, लेकिन सेना के आगे ऐसी कोई कठिनाइयां होती नहीं है अक्सर। तो ये देखने वाली बात है कि बाद में किस तरह से सेना उसको रास्ता बनाएगी, लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि भारत ने वो पेशकश ठुकरा दी है। उनका ये कहना है कि यदि हमें वहां सीधे हमारी फौज भेजकर स्टेबल करनी है अफगानिस्तान की सरकार को, तो हम इधर से जाएंगे। और आपको मैं बताता चलूं कि अभी हाल ही में पीछे ही कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना का एक बड़ा डिप्लॉयमेंट लद्दाख की तरफ हुआ है और जम्मू कश्मीर के इस रीजन में हुआ है। 50,000 की फौजें तो अभी गई हैं, 2,00,000 पहले से हैं वहां, आज की तारीख में वहां 2.5-3 लाख की फौज, भारतीय फौज वहां ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत की सरकार ने दूरदर्शी तरीके से वहां सेना का जमावड़ा किया, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक बात है, किसी न किसी तरह की अवश्यंभावी कोई परिस्थिति बनने वाली हो, इस तरह की संभावना है, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज है, इसीलिए भारत ने इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट वहां पे किया। तो ये बात बहुत ही क्लियर आप समझ लीजिए कि जैसे ही अमेरिका और भारत के बीच में ये तय हो गया, भारतीय फौजें वहां के लिए निकल जाएंगी। और ये खतरा इसलिए भी भारत के सामने, देखिए खतरा है, यदि वहां स्टेबल सरकार ना रही, डेमोक्रेटिक सरकार ना रही, अशरफ गनी की जो मौजूदा सरकार है ये यदि सरकार अपदस्थ होती है, ये गिरती है और वहां पर तालिबान के दहशतगर्दों के हाथ में सत्ता आती है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि एक तो भारत ने वहां पर बहुत काम किया है डेवलपमेंट का, वहां की संसद बनवाई है, वहां पर डैम्स बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा खड़ा किया है, एक डेमोक्रेसी के प्रति जागरूकता फैलाई है, एजुकेशन के सेटअप किया है। तो ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट $3.5-4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत का खत्म हो जाएगा यदि तालिबान आ गया। तो ये बात जरूर है कि तालिबान उसको नष्ट नहीं करेगा, लेकिन भारत का कोई से उसमें नहीं रहेगा, तालिबान उसको यूज कर लेंगे लेकिन भारत का कोई से नहीं रहेगा। और चूंकि तालिबान आ ही अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए है, जब उनका मोटो ही अल्लाह की राह में जिहाद करने का है, इस्लामी शरीयत नाफिज करने का है, तो फिर कश्मीर के मामले में, भारतीय कश्मीर के मामले में वो चुप नहीं रहेंगे। वो अपने ब्रदरेन को, मुस्लिम ब्रदरहुड के नारे के तहत, उम्मा के नारे के तहत, वो निश्चित रूप से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे,
ये बात भारत भारत के लिए चिंताजनक है। भारत के जो रणनीतिकार हैं, कूटनीतिक जो लोग हैं, वो इस बात को बहुत गहराई से देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो नित्य नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनको लेकर भारत की चिंताएं वो देख रहे हैं। तो ये चिंताएं कैसे दूर होंगी? ये चिंताएं एक ही तरीके से दूर होंगी कि वहां पर तालिबान का कब्जा न हो जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तालिबान का कब्जा कराने का जो इंटरेस्ट है वो आज की तारीख में दो देशों को है, एक पाकिस्तान है और दूसरा चीन है। चीन इसलिए है कि पाकिस्तान उसकी गोद में जाके बैठ गया है। यहां पे यदि पाकिस्तान तालिबान के विरुद्ध जाता है तो वो अपने ही किए धरे पे अब तक जो पिछले 20-25 साल 30 साल में उसने किया है, रुपया भी लगाया है, तालिबान को खड़ा किया है, और वो जो चाहता है कि तालिबान के जरिए वो अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर ले, तो ये पूरा रीजन जो है, चाइना चूंकि ऑलरेडी उसके कूटनीतिक और डिप्लोमेसी के दोस्ती में है, तो ये पूरा रीजन जो है वो इम्बैलेंस की तरफ चला जाएगा। ये पूरा विश्व देख रहा है, विश्व समुदाय के सामने ये बहुत चिंता का विषय है कि यदि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इस पूरे रीजन में, और आगे आपको पता है सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वहां पर भी यही जिहाद और इस्लामिक नारे का, इस्लामिक शरिया का नारा जो है पाकिस्तान का, वो ऑलरेडी चला हुआ है। रशियन कन्फेडरेशन से जब ये देश अलग हुए थे तो ये अलग होने के पीछे भी लगभग यही कारण था, और वो पाकिस्तान ने वहां मस्जिदें बनवाकर और वहां पर इस्लामिक जो अपना प्रचार प्रसार करके वहां अपने यहां से काजी और मुफ्ती भेज के वहां एक इस्लाम का माहौल खड़ा किया था। तो यदि ऐसा हो जाता है कि तालिबान अफगानिस्तान पे काबिज हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं रोक पाएगा, इम्बैलेंस की सिचुएशन आएगी, और चाइना इसके साथ में है। तो पूरा का पूरा ये रीजन, साउथ एशिया, ये सेंट्रल एशिया का, चाइना का और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, ये पूरा रीजन एक ही तरह की बागडोर के हाथ में आ जाएगा, और वो बागडोर होगी चाइना के हाथ में। पाकिस्तान तो ठीक है, अपना भारत के प्रति जो उसकी दुश्मनी है उसका वो यूज करेगा, और भारत यदि ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया, वो सिचुएशन यदि ऐसी बनती है, तो फिर भारत के लिए बहुत भारी चिंता का विषय होगा। ये इस बात को भारत बहुत गहराई से देख रहा है। अब इसमें नया डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका तालिबान के और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में पीस का जो एक प्रोसेस है उसको लेकर वहां कतर की राजधानी दोहा में प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान की सरकार भी पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से ये पीस डील हो जाए जिसमें कि तालिबान को वहां की सरकार कुछ एरिया पर चुनाव के जरिए समझ लीजिए या कोई और प्रोसेस के जरिए समझ लीजिए, कुछ एरिया में उनको उनकी सत्ता को मान ले और बाकी वो मिलजुल कर अफगानिस्तान में एक शांतिप्रिय सरकार का गठन कर ले। ऐसे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन यदि ऐसे प्रयास सफल नहीं हुए तो फिर बहुत बड़ा खतरा है। इसको लेकर अमेरिका ने भारत के सामने पेशकश की है, और इस पेशकश में लगभग 5 से 7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका करने के लिए तैयार है। और अमेरिका का यह कहना है कि चूंकि भारत इस पूरी भौगोलिक, भारत के सैनिक इस पूरी भौगोलिक सिचुएशन से बिल्कुल वाकिफ हैं, जानकार हैं, और वो युद्ध में इस इलाके के जो हालात हैं उसमें कारगर तरीके से युद्ध लड़ सकते हैं यदि ऐसी कोई सिचुएशन आई तो। और दूसरा, भारत ने वहां पर जो काम किया है डेवलपमेंट का, वहां पर अलग अलग जो अफगानिस्तान के कुछ समुदाय हैं उसमें भी अपने लोग जो हैं बनाए हैं, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लोग हैं वहां पर उनको भी भारत ने मदद की है। तो वो जो लोग हैं जिसको मलेशिया कहते हैं, वो मलेशिया भी भारत का साथ देगी, तो तालिबान फिर अकेला पड़ जाएगा। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सेना, अफगानिस्तान की सरकार, प्लस ये जो मलेशिया है वो, प्लस तालिबान से जो आतंकित वहां पे जो गुट हैं, जो समुदाय हैं, जो जिरगे हैं, वो भी भारत का साथ देंगे। तो भारत ने इस तरह की तैयारी पहले से ही वहां कर ली थी। अब यदि भारत की सेना वहां जाती है तो भारत को कोई बहुत ज्यादा परेशानी वहां नहीं आएगी, भारत बहुत कम समय में इस मामले को वहां सेटल कर देगा और वहां डेमोक्रेटिक सरकार बन जाएगी, पीस रीजन में आ जाएगी। अब इस बात से अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में मैं आगे आऊंगा। हमारा इसमें डायरेक्ट जो फायदा है, अमेरिका जिस तरह से अब भारत के सामने, पहले भारत अमेरिका के सामने झुका हुआ था, अब इस रीजन की पीस बहाली के लिए अमेरिका भारत के सामने झुका हुआ है, क्योंकि चाइना की जो हेजेमनी है, चाइना का जो एकाधिकार है इस पूरे रीजन पे, जो चाइना चाहता है करना और वहां ठेठ अपने अफ्रीका तक जाना चाहता है, इसको रोकने के लिए अमेरिका के पास अब भारत के अलावा और कोई साधन नहीं है। इसलिए अब भारत की शर्तें अमेरिका को माननी ही होंगी, ऐसा पूरे विश्व के रणनीतिकार भी मान रहे हैं। और यदि ऐसा होता है
तो भारत को बिना किसी बड़ी लड़ाई के ये पीओजेके का और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया मिल जाएगा। और ये यदि मिल जाता है तो पिछले 70 साल से जो हमारे ये जो घाव लगा हुआ है ये घाव आसानी से भर जाएगा। अब ये हमारे लिए एक बहुत ही गोल्डन मौका है, इसलिए मैंने हमारे आज के प्रोग्राम का टाइटल रखा मत चूके भारत बलवान। भारत को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए। और मुझे जहां तक लग रहा है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस पूरी सिचुएशन को बहुत गहराई से देख रहे हैं, और जिस तरह से उनके काम करने के तरीके हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके हैं, उससे भी ये लग रहा है कि वो जनता का ध्यान कहीं और किन्हीं मुद्दों पर रखते हैं लेकिन एक्शन कहीं और चल रहा होता है। तो मैं जहां तक समझ पाया हूं ये एक्शन अब वहां चल रहा है और इसीलिए सेना का बड़ा डिप्लॉयमेंट हमने वहां किया, भारत सरकार ने किया। अब ये मैं आपको अफगानिस्तान से और भारत का क्या ऐतिहासिक रिश्ता है उसका भी थोड़ा सा, हम चूंकि ये है मामला हमारे से बहुत जुड़ा हुआ है इसलिए जरूरी हो गया है, तो मैं आपको ऐतिहासिक रूप से ये बताता चलूं कि अफगानिस्तान और हमारा क्या मसला है। अफगानिस्तान से इस्लाम जब अफगानिस्तान में पूरी तरह से कायम हो गया था और मोहम्मद गजनबी के बाद से, मोहम्मद गजनबी तो यहां एक तरह से अटैक करके वापस भाग जाता था, डिसाइसिव बैटल उसने नहीं लड़ा, लूटपाट करने आया और यहाँ के मंदिरों को लूट ले गया, धन से धन वगैरह लेके चला गया, और एक तरह का वो जिहाद का जो पहला रूप होता है वो उसने किया कि जिहाद के लिए आप पहले लूटपाट शुरू करो, और लूटपाट में यदि सामने कोई नहीं आता है तो आप वहां काबिज हो जाओ। लेकिन यहां उस समय ताकतें थी जो लड़ाई भी लड़ती थी, और कई युद्धों में ये देखा गया कि इस्लामिक ताकतों को बहुत सालों तक यहां पे कारगर नहीं होने दिया। तो ये अफगानिस्तान का और ये भारत का जो बाद का जो इतिहास है वो मैं आपको टच करता चलूं कि मोहम्मद गोरी जब आया भारत में ये 1175 के आसपास की बात है। 1175 में मोहम्मद गोरी ने पंजाब का जो एरिया है, इंडस नदी पार करके, सिंधु नदी पार करके, और पंजाब का जो एरिया है वहां पर अपना विजय अभियान चालू किया, और वो विजय अभियान उसका लगभग सफल सा रहा। उस वक्त जो दो बड़ी ताकतें थी, गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी और राजस्थान अजमेर और पिथौरागढ़ जो दिल्ली के पास में जगह है, दिल्ली का शासन करने वाले चौहान वंश, ये जो है वो इनकी, पृथ्वीराज चौहान जिनका बाद में गोरी के साथ तराइन का युद्ध हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान का जो वंश है वो और चालुक्यों का वंश है, ये दो बड़ी शक्तियां इस इलाके में थी और इनके वेस्ट में, इनके पश्चिम में गोरी का साम्राज्य था। अब ये गोरी जब आता है यहां तो पहले उसने चालुक्यों से लड़ाई करी गुजरात में और वहां से वो बुरी तरह से पिट के हार के भागना पड़ा उसको। और बाद में 1978 के आसपास, वैसे तो मैं आपको बताता चलूं कि पृथ्वीराज चौहान के बचपन से ही इस्लामी आतताई, इस्लामी आक्रांता यहां आते रहे हैं इसलिए ये लोग जानते तो थे, लेकिन वही जो हिंदवी जो सनातनी जो शक्तियां हैं उनमें एक जो क्षमा करने का, युद्ध के एक धर्म नियमों का ये जो मसला रहा है इसकी वजह से बहुत परेशानियां रही हैं और बहुत सारे युद्ध हमने जीते हुए युद्ध भी हारे हैं। तो तराइन के युद्ध में, पहला जो तराइन का युद्ध है उसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हारा। अब ये देखिए इस्लामी इतिहासकार, हमारे इतिहासकार जो कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस्लामी इतिहासकारों का ये कहना है कि मोहम्मद गोरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकेंड। तराइन फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीता और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा के भागना पड़ा मोहम्मद गोरी को और नेस्तनाबूद कर दिया उसको, लेकिन मोहम्मद गोरी दोबारा से आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ये एक तरह का इस्लामिक वर्ल्ड में भी ये लेजेंडरी किस्म का युद्ध माना जाता है, क्योंकि ये डिसाइसिव युद्ध था हिंदवी ताकतों के लिए, हिंदवी ताकतें उसमें हारी और ये इस्लामी ताकतें उस तराइन के सेकंड युद्ध में जीती। हालांकि भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध नहीं, करीब 7 से भी ज्यादा युद्ध हुए, और बाकी के सारे युद्धों में पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को पूरी तरह से कुचल के भगाया, क्षमा याचना कराई, नाक रगड़वाया, और पूरी इस्लामिक जो ताकत थी उस समय की, उनके जो इस्लामिक झंडे के नीचे लड़ते थे उसमें ताजिक जो लोग हैं, उज़्बेक लोग हैं, ये लोग आते थे हमला करने,
और इसमें हमले की जो शर्तें थी वो भी मैं आपको बताता चलूं। इस्लामिक वर्ल्ड में चूंकि ये पुरानी रवायत है कि सेना की जो भर्ती है वो इनको आसानी से इसलिए हो जाती है कि ये जो माले गनीमत का जो मसला है, माले गनीमत उसको कहते हैं जिसमें कि युद्ध में जो लूट की जो वस्तुएं हैं, लूट का जो सामान है वो सैनिकों में, लड़ने वालों में, लड़ाकों में बांट दिया जाता है। जबकि भारत में ऐसा कोई नियम नहीं था। भारत में राजा की जो सेना थी उनको तनख्वाह मिलती थी, उनको ये प्रलोभन नहीं था कि लूट में जो औरतें मिलेंगी, लूट में जो धन मिलेगा, खजाना मिलेंगे, सोना मिलेगा, वो बांटा जाएगा। और राजा का चूंकि वो कैलिफ के बतौर पांचवा हिस्सा, वो राजा का माले फै कहते हैं उसको इस्लामिक जगत में, मैं आपको बताता चलूँ। तो माले गनीमत के चक्कर में इस्लामी झंडे के नीचे ये जो ताजिक और उज़्बेक और ये जो लड़ाके आते थे भारत के ऊपर हमला करने और उस लूट के माल में से अपना बंटवारा करते थे, वो मसला था। इस मामले में भारतीय जो हिंदवी जो ताकतें थी वो उनके आगे नहीं टिक पाई तराइन के सेकेंड युद्ध में। वो चाहे हम यूं मान लें कि हमारे जो भारतीय जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार भी माने तो भी वो युद्ध तो डिसाइसिवली हारा गया और उसके बाद दिल्ली की जो गद्दी है वो इस्लामी ताकतों के हाथ में चली गई। और मोहम्मद गोरी वहां से, हालांकि यहाँ राज करने लायक तो वो नहीं रहा क्योंकि संभवतः ऐसी कुछ सिचुएशंस रही होंगी कि वो पिट बुरी तरह से पिटाई हुई थी उसकी, लेकिन वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दिल्ली की गद्दी पे छोड़ के वहां चला गया। ये अफगानिस्तान से हमारा पुराना ऐतिहासिक रिश्ता है, इसलिए भी ये आज बहुत ही रेलेवेंट है कि अब भारत यदि वहां अपनी तरह का एक डेमोक्रेटिक सेटअप का राज कायम कर पाता है तो ये भारत के लिए एक इतिहास का भी मसला इसमें जुड़ता है कि भारत आखिरकार इस तरह की ये जो रवायती जो तालिबान टाइप की जो रेजिम्स हैं इनको हराने के लिए भारत कटिबद्ध रहे। क्योंकि भारत में पहले भी आपको पता है कि भारत में जो राज व्यवस्था है वो लगभग सदियों पुरानी डेमोक्रेसी के आधार पर ही चलती रही है और भारत हमेशा ये चाहता है कि पूरा विश्व जो है वो शांतिप्रिय तरीके से रहे, मानवाधिकार रहे, स्त्रियों के अधिकार रहे, सबके अधिकारों के साथ में सबको बोलने की आज़ादी हो, सबके पास में साधन हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जिस संस्कृति का नारा हो वो वहाँ इस तरह की जंगली मारकाट मचाने वाली, हत्याएं करने वाली और लटका के एक तरह से पत्थर से संसार करने वाली जो सजाओं का जो जो रजीम है उसको भारत कभी पसंद नहीं करेगा। इसलिए भी भारत इस मामले में मजबूती से वहां अड़ा हुआ है। अब देखिए आप, ये पूरा पसमंजर, पूरा मैंने आपको बताया बैकग्राउंड क्या है इसका। और मोहम्मद गोरी से जब ये हमारे यहां पर राज इनका इस्लामी ताकतों का हो गया, उसके बाद से भारत की किस तरह से इकोनॉमी, भारत के राजनीतिक हालात, भारत के डेमोक्रेटिक हालात, भारत की जनता के हालात किस तरह से गर्त में चले गए, ये हम आपको बाद के प्रोग्राम्स में बताएंगे। इसकी क्रिटिकल स्टडीज हमारे पास है, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन आज का चूंकि ये विषय उस तरह का नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में पीस कीपिंग का जो भारत का ध्येय है, भारत का टारगेट है, वो किस तरह से पूरा होगा और इसमें भारत का फायदा क्या है। भारत का फायदा मैंने आपको भी बताया कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते से अमेरिका यह शर्त तय करवाएगा कि भारत को इधर से रसाई मिले, इधर से अपनी फौजों को भेजने का रास्ता मिले। यदि ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान की वहां पर फिर से नहीं रहती है, ये पूरा कंट्रोल फिर आर्मी भारत की के अंडर में आएगा। तो भारत को बिना पाकिस्तान से सीधे लड़े ये एरिया जो हमने 70 साल पहले खोया था वापस मिल जाएगा। अब इसके बीच में मैं आपको यह भी बताता चलूं कि हो सकता है कि इन सूरत हाल में कुछ एस्केलेशन भी हो, कुछ कड़वाहट भी हो, और वैसे तो पाकिस्तान की कोई इस तरह की औकात मुझे नहीं नजर आती है कि वो भारत से डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में आ जाएगा या अमेरिका के आगे वो आंख दिखा देगा। लेकिन चूंकि चीन उसकी पीठ पर है, हाथ रखे हुए है, तो थोड़ा बहुत वो कुछ एक्शन कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चीन भी अब बुरी तरह से फंस चुका है। चीन इस पूरे मामले में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में भारत के खिलाफ नहीं आएगा। वो ठीक है, पाकिस्तान को ये कह सकता है कि तुम जानो और भारत जाने, हमको इसमें मत फंसाओ, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी में बुरी तरह फंस गया है,
वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे पूरी तरह से तैयार खड़े हैं, सन्नद्ध खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अभी मैं हमने कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि ताइवान के मुद्दे पे जापान के साथ चाइना का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। यदि चाइना भारत से इधर उलझता है तो वहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उसको घेर के मारेंगे। ये पूरा सीन आपको यूं समझ लेना चाहिए। और बहुत तेजी से ये रोज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस चेंज हो रही हैं, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। इसके ऊपर भी हम निगरानी बनाए हुए हैं, हम हमारे दर्शकों को लगातार बताते चलेंगे। आज आपको एक और बात बताता चलूं कि रशिया ने अमेरिका को, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, रशिया ने अमेरिका को ये कहा है कि सेंट्रल एशिया की उनकी जो कॉलोनियां हैं, वहां पर जो उनके सैन्य अड्डे हैं, वो अफगानिस्तान की शांति बहाली के लिए अमेरिका को देने के लिए तैयार है रशिया। ये बहुत बड़ा चेंज है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, बिल्कुल ऐसा शिफ्ट है ये कि इसके ऊपर बहुत निगरानी रखने की जरूरत है। रशिया जो कि अमेरिका का बहुत पुराना दुश्मन है, लेकिन तालिबान की इस एक्टिविटी, जो बढ़ती हुई एक्टिविटी है, और वो जो जिस तरह से कंधार और काबुल को यदि फतह कर लेते हैं, और काबुल पे यदि वो राजधानी पे कब्जा कर लेते हैं, तो फिर रशिया भी प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि वहां ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे जो इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, वहां फिर रशिया भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। आतंकवाद का बहुत बड़ा गढ़ वहां बन जाएगा और रशिया फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए रशिया को भी ये बात समझ में आ गई है। भारत ने जो पेशकश की थी, मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में, भारत ने ये कहा था रशिया को कि यदि ये तालिबान नामक नाग अजगर फैल गया तो आपको भी कोई नहीं बचाएगा रीजन में। इसलिए रशिया ने अमेरिका को ये पेशकश की है। ये बहुत ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ये कहा है अमेरिका को कि आप चाहें तो हमारे ये जो सैन्य अड्डे हैं ये आप ले लें और किसी भी तरह से अफगानिस्तान में पीस बहाल करें। अब ये बात अलग है कि वहां पर रशिया के जो सैन्य अड्डे हैं वहां से अमेरिका सीधी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका पहले तो वहां यूरोपियन और ये जो अमेरिकन फौजें हैं वो निकल चुकी हैं, नाटो की पूरी फौज वहां से जा चुकी है और नाटो देशों को वहां लड़ने में दिक्कत आ रही थी। तो वो यदि सैन्य अड्डे ले भी लेंगे तो भी वो डायरेक्ट एक्शन नहीं कर पाएंगे। निगरानी रखना एक अलग बात है, तो निगरानी तो वो रख लेंगे, लेकिन डायरेक्ट एक्शन में केवल और केवल भारत कार्रवाई कर सकता है। ये भारत का एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, तो ये प्लस पॉइंट का फायदा भारत की सरकार लेगी ऐसा लग रहा है। और राजनीतिक हलकों में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि पीओजे के लेने की जो भारत की संसद में जो हमारा संकल्प है वो किसी न किसी तरह से हम लेके रहेंगे, ऐसा संकल्प हमारा संसद में है। ऑल पार्टी, इसमें कोई पार्टी का भी कोई विरोधी बयान नहीं है, और ये आज का संकल्प नहीं है, ये बहुत पुराना संकल्प है। तो इस संकल्प को बिना लड़े यदि लिया जा सकता है तो वो मौका अब है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया आपको बिल्कुल देख के ये बिल्कुल आश्चर्य होगा कि यदि भारत यहां से एंट्री करता है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक खुले तौर पे ये नहीं कह रहा है कि हम तालिबान समर्थित हैं। वो अभी भी यही कह रहा है कि अफगानिस्तान के हालात में वहां का तालिबान जाने और वहां की सरकार जाने, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। जबकि अफगानिस्तान की सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि सारा का सारा संसाधन, सारे हथियार, सारा पैसा पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सामने अब ये दोहराए किसी स्थिति है, वो एक तरफ तो मुंह छुपाए घूम रहा है कि विश्व जगत के सामने यदि वो ये स्वीकार कर लेता है कि वो तालिबान के साथ खड़ा है तो फिर पूरा विश्व जगत उस पर अटैक करेगा, उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना पड़ सकता है, उस पर सैंक्शंस आ सकती है। अमेरिका तो इसके लिए तैयार ही बैठा है कि जैसे ही पाकिस्तान खुले तौर पर यह कहे कि हम तालिबान का साथ दे रहे हैं वहीं पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा। तो अब पाकिस्तान के सामने बहुत दोहराई की स्थिति है, वो न भारत को जाने से रोक सकता, यदि वो रोकता है तो फिर वही आतंकवाद का उसके ऊपर चस्पा होगा। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन अब पाकिस्तान की बन गई है। यदि वो तालिबान का साथ खुले तौर पे ना देने की बात करेगा तो वहां पर उसके आतंकवादी हमले होंगे, जो कि अभी आपने देखा है
दो तीन कुछ हुआ है, ऐसा एक्शन चल रहे हैं। और चाइना को लेकर भी, जो चाइना को जो रास्ता दिया हुआ है उसको लेकर भी वहाँ पाकिस्तान को चैन से वहाँ के लोग भी नहीं बैठने देंगे, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो बहुत सारा एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, गिफ्ट कर दिया है, जो कि कंट्रोवर्शियल है लैंड, जो भारत की लैंड है। ये मैं आपको बताता चलूं कि गिलगित और बाल्टिस्तान का ये जो एरिया है ये अलग थलग क्यों पड़ गया था, इसके पीछे का कारण यह है कि महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अंग्रेजों ने ये गिलगित एजेंसी बना के ये एरिया लीज पे लिया था, जिससे कि वो रशिया के बढ़ते प्रसार को रोक सकें। आपको ध्यान होगा कि 40s में रशिया इस एरिया में, जिसको वॉर्म वाटर्स कहते हैं, वॉर्म वाटर्स की तरफ आने का पूरा रशिया का प्लान हो गया था, और अफगानिस्तान तो उसने लगभग ही ले लिया था। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, इसमें भी रशियन फौजियां आ जाती थी। ये बात तब के इंग्लैंड को बहुत ज्यादा सालती थी, बहुत चिंता में डालती थी कि कहीं रशिया भारत के ऊपर इधर आ गया, दिल्ली तक आ गया, तो फिर भारत जो उनका एक उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, और ब्रिटेन तो ईमान के चलता था कि ये भारत जो है वो ब्रिटेन ही है, तो इसलिए उस समय ब्रिटेन ने गिलगित एजेंसी खोलकर रशिया के ऊपर निगरानी की चौकियां बनाई थी। इसीलिए वो एरिया जो था वो आजाद भारत, जब भारत आजाद हुआ तब भी वो अंग्रेजों के पास ही रहा, और जब वो अंग्रेज वहां से गए तो भी वो एरिया लगभग भारत के कंट्रोल में पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहा। अब चूंकि वो पाकिस्तान ने फिर कबायली हमले किए, और आपको ध्यान होगा एक मेजर ब्राउन नाम का आदमी था, अंग्रेज अधिकारी था, वो अधिकारी जो था वो नहीं चाहता था कि गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया भारत में मिले, वो ये चाहता था कि ये हमेशा इंग्लैंड के ही हिस्से में रहे, इसलिए उसने अटैक किया और कबायली साथ लिए। और उस हमले में 1948 का वो हमला याद करिया, उस समय वो ब्राउन जो था वो पाकिस्तान की तरफ से आया था, और वो एरिया जो था गिलगित वाला वो पाकिस्तान के पास चला गया। हालांकि पाकिस्तान भी वहां चूंकि रूल नहीं कर रहा था, पहले भारतीय एजेंसियां वहां रूल नहीं कर रही थी, केवल ब्रिटेन वाले ही थे, इसलिए वो पाकिस्तान के भी हाथ में नहीं रहा, वो एक अलग ही तरह का था। ये वही एरिया है जो हुंजा का इधर लगता हुआ एरिया है, नगर का एरिया है, तो ये गिलगित जो है ये उधर चला गया, जबकि ये मूलतः भारत का है। आप वहां के नाम देखेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, वो पूर्णतः भारतीय है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कारणों से वो अंग्रेजों ने अपनी एक एजेंसी बना ली थी वहां। अब मौका आ गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान का वो एरिया जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जहां से ये सीपैक भी आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, बनाया जा रहा है, वो भी उधर से ही निकल रहा है, तो ये चाइना के लिए तो जीने मरने का प्रश्न है वो। लेकिन अब चूंकि इस मामले में, तालिबान वाले मामले में, यदि चाइना अड़ंगेबाजी करता है तो फिर पूरा विश्व चाइना के भी उस तरह से खिलाफ होएगा, तो ये वहां चाइना भी फंस गया है। क्योंकि ये आप मान के चलिए कि जब अमेरिका ने तालिबान में 2001 में तालिबानियों को खदेड़ा और कारजाई की सरकार बनाई थी, आपको ध्यान होगा, और काबुल में आतंकवाद का पूरा सफाया करते हुए इन तालिबानियों को वहां से भगाया गया, उनमें से बहुत सारे तालिबानी तो पाकिस्तान आके टिक लिए और बहुत सारे उधर उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान की तरफ निकल लिए, अब वो सारा का सारा जो गठजोड़ है वो वापस से अफगानिस्तान में एकत्रित हो गया है। तो कारजई की जब सरकार बनी थी तब भी अमेरिका मॉरली सुपर था कि हम एक डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, इसीलिए अमेरिका के साथ में नाटो फोर्सेज आई थी। आज वो का वो सीन है जिसमें आपको ये, हालांकि चाइना इस मामले में बेशर्म है, चाइना आतंकवादियों को बचाता रहा है पाकिस्तान के कहने से, लेकिन अब ये डिसाइसिवली तय होगा कि चाइना किधर जाएगा, क्या वो तालिबान नामक आतंकवादी समूह के साथ जाएगा, या भारत और अमेरिका जैसे देशों के जो शांति के प्रयास हैं, जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के जो प्रयास हैं, पूरे विश्व में एक नेशन स्टेट का जो एक पॉलिसी है, एक डेमोक्रेसी की पॉलिसी है, उसको मेंटेन कराने के लिए जाएगा। इसमें पाकिस्तान भी फंसेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है यूएन में जाता है जब, कि हम डेमोक्रेसी के अलंबरदार हैं, पैरोकार हैं। अब वहां अफगानिस्तान में उनकी बोलती बंद है, यदि वो तालिबान के विपक्ष में जाते हैं, जैसा कि टर्की के राष्ट्रपति ने, मैंने आपको बताया था कि एर्दोगन ने तालिबान के खिलाफ बयान दिया है, और एर्दोगन का यह कहना था कि तालिबान कब्जा न करे अफगानिस्तान पर,
अब इसकी भी बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक देशों में इसको लेकर बहुत बड़ा मंथन चल रहा है, और पाकिस्तान भी इसमें दोराए पर है कि वो टर्की का पक्ष ले या तालिबान का पक्ष ले। तो यही हालात हैं पाकिस्तान के और चाइना के। तो मैंने आपको बताया कि अब जो मौका है भारत के लिए, बहुत स्वर्णिम मौका है कि हमारे जो पुराने घाव थे वो पीओजे को लेकर अब भर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आने लग गई हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं आपको बताता हूं सीन क्या बन सकता है। यदि तालिबान वहां काबिज हो जाता है और भारत की वहां पर पूरी तरह से रवानगी हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे दिनों जैसे जैसे तालिबान का प्रभाव वहां बढ़ता जा रहा है, भारतीय काउंसुलेट्स बंद हुए हैं, भारतीय जो नागरिक हैं वहां से पलायन कर गए हैं, उनको पलायन करने के लिए बोल दिया गया है, कि भारत सरकार ने वहां नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि हालात खतरनाक हैं, इसलिए भारतीय नागरिक अपना ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी वहां से निकल लें। यदि ऐसा होता है कि तालिबान पूरी तरह से काबिज हो जाता है तो भारत को बड़ा झटका लगेगा, भारत का पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, भारत की वहां जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, हमारा चूंकि बिल्कुल पड़ोस का देश है, वहां हमारी कोई से नहीं बचेगी, वहां केवल पाकिस्तान का और तालिबान का तांडव होएगा, उस तांडव में हम डायरेक्टली इफेक्ट होंगे, और चाइना की तरफ से पैसे की मदद से पाकिस्तान कभी भी भारत को तंग कर सकता है, वो जो प्रॉक्सी वॉर का तरीका है उससे ज्यादा भी वो कोशिश कर सकता है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान दोनों यदि मिलते हैं तो वो अल्लाह की राह में जो जिहाद का नारा है वो चाइनीज मनी से, चाइनीज पैसे से इतना बड़ा तांडव मचा सकता है कि जिसकी आपको हमको अभी कल्पना भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा दृश्य है, इसलिए भारत के सामने अब ये भी सिचुएशन है कि भारत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और चूंकि अमेरिका साथ देने के लिए तैयार है, आपको मैं इतिहास से भी बताता चलूं कि ये वही रीजन है जहां पर रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए चर्चिल ने भी ये कहा था कि रशिया का वहां पर दखलंदाजी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि अमेरिका तुरंत प्रभाव से भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करे। ये 1947 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 47 आजादी के बाद, और आपको ध्यान होगा कि अमेरिका की तरफ से यहाँ स्टील प्लांट्स लगे, काफी डेवलपमेंट के काम हुए थे, अमेरिका ने बहुत पैसा भी दिया था, और चर्चिल ने भी ये कहा था कि किसी भी तरह से रशिया के इन्फ्लुएंस को रोको, नहीं तो रशिया पूरे रीजन को खा जाएगा। ये वही सिचुएशन है कि जब पहले रशिया को रोका जा रहा था अफगानिस्तान और आगे बढ़ने से भारत की तरफ आने देने के लिए, अब वही सिचुएशन चाइना के लिए है। तो पूरे विश्व की ताकतें जो हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं, और भारत के लिए ये गोल्डन टाइम है, यदि हम इससे फायदा लेते हैं, और ये जो रीजन है, जो अशांति का रीजन जो हमेशा से हमारे साथ में, आतंकवाद के नए नए खेल, नए नए पैंतरे चलते हैं, आज भी आपको ध्यान होगा कि वहां एक ड्रोन जो है जम्मू कश्मीर में हमारे देखा गया है, ये ड्रोन जो है आतंकवादी वहां से भेज रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि हमने पीओजेके में ही हमला भी किया था, जिसमें आतंकवादियों के जो अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया था, ये सब चल रहा है। ये जो रीजन है ये बहुत सेंसिटिव रीजन रहा है शुरू से, पहले रशिया को लेकर था, अब चाइना को लेकर है। तो ये मैंने आपको पूरा हाल वहां का बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत फायदे में बदलने के लिए रणनीतिक कौशल दिखाएंगे, और इंदिरा गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बड़ा नाम होगा। आपको पता है कि आज़ादी के समय के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका, उनको यदि हम अलग भी कर दें तो इंदिरा गांधी उनसे कहीं कम नहीं है, इंदिरा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनसे कम नहीं है, उनसे ज्यादा बड़ा भी मान के चलते हैं कई लोग। तो कई लोगों का तो ये मानना है कि आजाद भारत में इससे बड़ा कोई काम कोई नहीं कर पाया जो इंदिरा गांधी ने किया, और इंदिरा जी की जो लोकप्रियता थी वो बांग्लादेश बनने के बाद से न केवल देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी बनी थी, और उनके मुकाबले का उस समय नेता दिखाई नहीं देता था। आज यदि हम इस सिचुएशन में, ये जो पीओजेके की सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इसमें यदि प्रोएक्टिव होके भारत अमेरिका के साथ से और नाटो फोर्सेस के साथ से, रशिया के साथ से, पीओजेके का एरिया, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया यदि भारत को मिल जाता है तो इससे बड़ा कोई काम इस सदी में तो कोई नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको बता दूं।
बहुत बड़ा काम होगा ये, और ये हमारा जो एक घाव है ये भी इससे भर जाएगा 70 साल पुराना। तो ये तो मैंने आपको आज का वर्ल्ड इन एक्शन का बताया प्रोग्राम, कि हमारा ये वर्ल्ड न्यूज को लेकर जो स्पेशल प्रोग्राम है इसमें हमने चर्चा की PUJK की। अब मैं आपको कुछ हमारे यहाँ की भी खबरें बताई दूं जिससे कि हम यहाँ से भी अपडेट होते चले। आज मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन राव भागवत जी ने एक बयान देकर फिर से राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। आज वो असम में है, असम के 2 दिन के दौरे पे गए हुए हैं। वहां CAA और NRC के मामले को लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया गया, और इस मौके पर मोहन राव जी भागवत ने एड्रेस किया। इस एड्रेस में उन्होंने एक बात ऐसी कही है जो कि अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी है। उनका यह कहना है कि 1930 से मुसलमानों की जनसंख्या को चालाकी से बढ़ाया गया, और यह इसलिए बढ़ाया गया कि भारत का बंटवारा इस्लाम के नाम पे किया जा सके। उनका यह भी कहना था कि पंजाब में, सिंध में, बंगाल में तो पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाया गया चालाकी से। तो मोहन भागवत ने यह कहकर सबको चौंका दिया। अब आपको पता होगा कि मोहन भागवत ने अभी कुछ ही दिनों पहले ये कहा था गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में कि हिंदू और मुस्लिम का DNA एक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई आदमी ये कहता है कि मुस्लिम इस देश में नहीं रह सकते तो वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं हो सकता है। और उन्होंने गाय को लेकर भी एक बात कही थी। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसके तुरंत बाद ये असम में ये स्टेटमेंट दिया है कि ये 1930 से लगाकर बाद तक जो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाई गई, चालाकी से बढ़ाई गई जिससे देश का को विभाजित किया जा सके। उनका ये भी कहना था कि हालांकि विभाजन तो उन शक्तियों ने करा ही लिया आजादी के समय, लेकिन इससे पहले से ये कोशिश चल रही थी कि डेमोग्राफिक चेंज करके मुस्लिम जनसंख्या को तेजी से बढ़ा के भारत के ऊपर कब्जा इस्लाम का हो जाए। ऐसे कुत्सित प्रयास पुराने टाइम से चल रहे हैं, उनका ये कहना था। तो आज उन्होंने इस बात से राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। अब देखते हैं कि इस बारे में दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, दूसरे जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। और मोहन राव भागवत इन दिनों काफी चर्चा में है, तो ये उनका आज का बयान रहा। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक और खबर जो है वो राजस्थान से जुड़ी हुई है, और ये चर्चा का विषय बनने वाला है। मुझे लगता है ये मुद्दा बनेगा। राजस्थान में जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इनको इनके ऊपर विपक्ष ने यानी कि BJP ने आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी ने, कि गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्र वधू के भाई और उनके एक और रिश्तेदार राजस्थान की प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पास हुए और उनका सिलेक्शन हुआ, ये गोविंद सिंह डोटासरा के प्रभाव की वजह से हुआ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। ये मसला क्या है मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS जिसको कहते हैं, RAS के रिजल्ट आए हैं जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा के दो रिश्तेदारों के नाम हैं, और ये सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई कि मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के दो रिश्तेदार RAS में आए हैं। इसके पीछे मंत्री की दखलंदाजी है, सोशल मीडिया ने आरोप लगाया। इसके बाद ये चर्चा में आया मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने इसको एकदम से तेजी से लपका, और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ही आरोप लगा दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा ने RAS की इस परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई अपना प्रभाव का इस्तेमाल किया है। तो ये जो खबर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चर्चा का विषय बनी रहेगी, और इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि आज ईद की नमाज पूरे देश में पढ़ी गई, और दिल्ली में खास तौर पर जो जामा मस्जिद का जो नमाज का कार्यक्रम हुआ, ये आप देखिए,
इसमें खास बात यह रही कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है वो वहां पूरी तरह से निभाया गया, ऐसा वहां की कमेटी ने बताया। और कमेटी का ये कहना था कि जो सरकार की गाइडलाइन थी, जो प्रशासन की गाइडलाइन थी, उनका पूरी तरह से पालन किया गया और पूर्णतः कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही हमने नमाज का, ये ईद की नमाज का कार्यक्रम रखा। तो ये मैंने आपको लगभग जो हमारे आसपास की खबरें हैं ये भी बताई, और आपको ये भी मैंने बताया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भारत की आगामी रणनीति की, भारत की आगामी कूटनीतिक दिशा की किस तरफ जा रही है, किस तरफ हम हमारे पड़ोस में जो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा अंदेशा बन पड़ा है उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से हमारे साथ में बाकी विश्व समुदाय के जो देश हैं वो आ रहे हैं, और किस तरह भारत एक जियोपॉलिटिकली एक प्लस पॉइंट की सिचुएशन में आ गया है, और भारत पूरे विश्व की एक उम्मीद की नजर पूरा विश्व भारत की तरफ लगाए बैठा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये या तो ये हो कि दोहा में, कतर में, जो अफगान सरकार और तालिबान के बीच में जो पीस डील चल रही है, या तो वो ठीक से हो जाए, वो ठीक से नहीं होती है और सिचुएशन कहीं कोई बिगड़ती है, सिचुएशन में और बिगाड़ आता है, और तालिबान चूंकि अपनी किसी भी शर्त पे वो बंधे हुए नहीं मानते अपने आप को, और वो हमेशा अफगानिस्तान की सरकार को कोसते रहते हैं, आज यूं समझिए आपकी यदि वो काबुल जीत लेते हैं, तो आपको ये मानना होगा कि इस सिचुएशन में अफगानिस्तान की सरकार को भी, यानी कि वहां के राष्ट्रपति वगैरह को भी वहां से भागना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो फिर विश्व समुदाय तुरंत प्रभाव से वहां कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन करेगा, या आप मान के चलिए अमेरिका ऐसा नहीं हो सकता है, रशिया ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पर सिचुएशन को इन आतंकवादियों के हाथ में छोड़ के चला जाए, और भारत तो खासकर नहीं हो सकता। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि यदि ये देश किसी तरह से इस सिचुएशन में कोई इंतजार करने के भी मूड में हो तो भी भारत को प्रोएक्टिव रोल में आना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर भारत के सामने बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको याद होगा कि कुछ विश्व के रणनीतिकार ये भी कह रहे हैं कि भारत ने तालिबान से बात करने में देर कर दी। ये आप देखिए जरा कि भारत तालिबान से बात करने के कतई मूड में नहीं था। 2001 से ही आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरह से अपना रुख अख्तियार किया है। वहां तालिबान की जब तक सरकार रही, भारत ने अफगानिस्तान की उस तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी थी, और भारत का हमेशा से एक पक्ष रहा है कि जब तक वहां डेमोक्रेसी, जब तक वहां अफगानिस्तान में आतंकवादियों के हाथ से ये सत्ता निकल के और वहाँ के लोगों के हाथ में जो सिविलियन सरकार है वो नहीं बनेगी, तब तक हम साथ नहीं हैं तालिबान के। अब ऐसे में कुछ रणनीतिकारों का ये कहना है कि पूरा विश्व जब तालिबान से बात कर चुका है, चाइना भी कर चुका है, रशिया भी कर चुका है, तो ऐसे में भारत ने तालिबान से बात क्यों नहीं की। तो मेरा ये मानना है कि भारत ने बात न करके गलती नहीं की है। वैसे कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि तालिबान से कुछ टॉक्स भारत की चली हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष, न तालिबान और न भारत, इस बात को सार्वजनिक नहीं कर रहे। अब इसके पीछे क्या रणनीतिक कारण है वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि तालिबान यदि वहां सत्ता में काबिज होता है तो कहने को तो ये कह रहा है कि हम भारतीय इन्वेस्टमेंट और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद लेंगे, भारत के साथ हमारा कोई डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं है और हम केवल अफगानिस्तान तक सीमित रहेंगे। हमें कश्मीर वाले मुद्दे पर भी तालिबान ने कहा था कि कश्मीर से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब धोखाधड़ी है। और ये वो का वो रवैया है कि यदि पूरी विश्व की ताकतें तालिबान को वहां पर नहीं रोकती हैं, तालिबान इस बात के प्रयास कर रहा है किसी तरह से धोखाधड़ी करके, किसी तरह से धोखे में रख के कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर से, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम हमारे देश को संभालेंगे, हम हमारे देश को डेवलप करेंगे, और अब तालिबान का नया चेहरा सामने आएगा, हम हमारी जो शरीयत का जो निज़ाम है वो भी उस तरह से नहीं होगा, अब हम एक डेवलपिंग तालिबान के रूप में, एक गुड तालिबान के रूप में दिखेंगे, और इस तरह के बहुत सारे नारेबाजी वो कर रहे हैं वहां की सरकार में आने से पहले, विश्व समुदाय को एक तरह से धोखे में रखने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ है नहीं। यदि तालिबान वहां सत्ता में आए तो उनकी पहली शर्त ही जिहाद है, और अल्लाह की राह में जिहाद वो जम्मू कश्मीर में भी करेंगे, उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान में भी करेंगे,
और ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो आतंकवाद की भेंट चढ़ जाएगा। और पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि इसका सरदार है, आईएसआई तो ये सब काम करा ही चुकी है, आईएसआई के ही पिट्ठू हैं ये सारे। तो ये सारा सीन आपके इर्द गिर्द में मैंने आपको जो चल रहा है बताया। तो वर्ल्ड इन एक्शन का ये प्रोग्राम अब हम ये समाप्त करते हैं, और मैं हमारे सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप हमें कमेंट के जरिए ये जरूर बताएं कि हम हमारे ये जो प्रोग्राम है ये आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज का ये प्रोग्राम अब हम ये समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।